तो बच्चों, जैसा कि हम लोग थर्ड यूनिट हम लोग देख रहे हैं, जो कि OSI लेयर के थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर बेस्ड है। हम लोग अभी तक नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने तरह तरह के प्रोटोकॉल देखे जिनका यूज नेटवर्किंग में किया जा रहा है, सॉरी नेटवर्क लेयर में किया जा रहा है। और वो अलग अलग प्रोटोकॉल कौन कौन से थे, जैसे कि ARP था, IP था, ICMP था। ये तीन अलग अलग प्रोटोकॉल थे जिनका यूज हम लोग नेटवर्किंग में कर रहे थे, सॉरी नेटवर्क लेयर में कर रहे थे, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए। जिसमें IP का जो काम था इंटरनेट प्रोटोकॉल का, वो ये था कि वो उसका जो मेन मोटो है या जो मेन वर्क है वो क्या है कि वो डाटा को डिलीवर करता है डेस्टिनेशन तक। लेकिन एरर रिपोर्टिंग और क्वेरी मैकेनिज्म IP प्रोटोकॉल के अंदर नहीं होता है, जिसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने ICMP को डिजाइन किया था, ताकि पैकेट अगर कहीं हमारा नेटवर्क में लॉस हो रहा है तो वहां पे एरर रिपोर्टिंग सेंडर को की जा सके, या फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क को ट्रबल शूट करना चाहता है तो कुछ क्वेरी मैकेनिज्म वो अप्लाई कर सके। तो बहरहाल इसके अलावा जो हमने ARP देखा था, ARP में था कि हम लोग किस तरीके से IP एड्रेस से अब MAC एड्रेस को, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, उसको हम मैप कर रहे थे। तो बात अगर हम IP की करें, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की करें, यानी कि वो लॉजिकल एड्रेस जिसे हम नोड को असाइन करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो आपका मैक एड्रेस है वो फिक्स होता है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस हम अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर सकते हैं। यानी कि आज अगर हम किसी लैन के अंदर है तो वहां पे हमारा लॉजिकल एड्रेस मान लीजिए कुछ है 192.168.0.1, और कल हम दूसरे नेटवर्क में अगर अपने उसी नोड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उस वहां के नोड की जो IP है उसको देखनी होगी, और वो IP क्या होगी, 192.168.0.8910 कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा IP एड्रेस, यानी जिसको हम लॉजिकल एड्रेस कह रहे हैं, वो हमारा लॉजिकल एड्रेस अकॉर्डिंग टू नीड चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम अपने फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस की बात करें तो वो हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है ना। मैक एड्रेस हमारा एज इट इज वही रहता है। अब इसीलिए हम लोग एड्रेसिंग, हम लोग जो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में देख रहे थे वो एड्रेसिंग को देख रहे थे, लॉजिकल एड्रेसिंग को, जिसको हम IP एड्रेसिंग कह रहे हैं। तो जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी है कि एड्रेसिंग जो है वो आपकी दो टाइप की है, एक आपकी फिजिकल एड्रेसिंग, एक आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग यानी कि मैक एड्रेस जो फिक्स होता है, और लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि IP, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन IP वर्जन 4 हमारे सिलेबस में है, और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक हमारा पब्लिक IP और दूसरा हमारा प्राइवेट IP। इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने IP वर्जन 4 के बारे में कुछ की पॉइंट्स देखे थे, जैसे कि अगर बात करें पहले नंबर की, तो 32 बिट का ये लॉजिकल एड्रेस है, यानी IP वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। मैंने आपको समझाया था कि 32 बिट या 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है, यानी कि एक ऑक्टेट में नंबर ऑफ 8 बिट होती है। इसी तरीके से 4 ऑक्टेट की बात करें तो 4 अलग अलग ब्लॉक में नंबर ऑफ 8 बिट्स होंगी, तो अगर उनको हम कैलकुलेट करें तो वो 32 बिट होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि IP वर्जन 4 जो है वो, जो उसका लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का, जिसकी रेंज 0 से 255 होती है। अगर आप उस पर्टिकुलर एक ऑक्टेट के 8 बिट को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो 255 की रेंज तक जाता है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 255 तक तो जाता है, लेकिन जो सबसे लास्ट ऑक्टेट होता है उसमें सबसे लास्ट IP जो होती है वो 254 दी जाती है। 255 कभी भी लास्ट IP नहीं दी जाती, क्योंकि 255 जो है वो आपका ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है।
इस डायग्राम को भी मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम को आप लोग केयरफुली अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अगर ये डायग्राम आपको अगर याद है, ये या ये जो टेबल है अगर ये आपको रिमेम्बर है, तो आप आईपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी है। ठीक है, तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि क्लास ए आईपी जो है, हमारी रेंज जो है आईपी की, उसको हम लोगों ने क्लासेस में डिवाइड किए हैं, अलग अलग क्लासेस में। जैसे कि अगर हम बात करें क्लास ए की, क्लास बी की, क्लास सी की, क्लास डी की, क्लास सी की, तो नंबर ऑफ 5 क्लासेस में हमने आईपी वर्जन 4 को डिवाइड किया है। और नंबर ऑफ 5 क्लासेस की बात करें तो क्या है, इनको कैसे डिवाइड किया गया है, जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी रेंज से। यानी कि सपोज कीजिए कि ये आपकी एक आईपी लिखी हुई है 127.0.0, तो हम केवल पहले वाले ऑक्टेट के रेंज को देखेंगे, और वो रेंज जो है अगर इनमें से किसी जिस भी रेंज के साथ मैच कर रही है, तो हम ऑटोमेटिकली या फिर कॉन्फिडेंसली ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी किस क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, हम हमेशा याद रखिएगा इन तीनों को नहीं देखते, हम हमेशा केवल फर्स्ट ऑक्टेट को देखते हैं। किसको देखते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट को। अगर फर्स्ट ऑक्टेट जो है हमारा इसमें से जिस भी रेंज से लाई कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर आईपी उस क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, तो रेंज की अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास ए की बात करें, तो क्लास ए की रेंज 1 से लेके 126 तक है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, यह मैंने पहले भी बताया है कि ये जो 126 है, ये एक्चुअली में कहा है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये रेंज जो है वो 1 से लेके 127 तक है। कहाँ तक है, 1 से लेके 127 तक। लेकिन चूंकि हम जो यूज करते हैं, वो यूज क्या करते हैं, 126। एक सेकेंड, ये जो है ये कहाँ तक जाएगा, 127 तक। लेकिन जो हम यूज करते हैं, यानी कि यूजर जो आईपी यूज करता है, वो केवल 126 तक करता है। तो इसलिए अगर हम कहें कि अगर ऐसे मैन्युअली पूछा जाए कि क्लास ए की रेंज कितनी है, तो हम कह सकते हैं 1 से लेके 127 तक। लेकिन कितनी आईपी यूज की जा रही है, जो पब्लिक या फिर प्राइवेट नेटवर्क के लिए यूज की जा सकती है, तो वो है 1 से लेके 126 तक। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया था कि जो क्लास ए का एड्रेस 127.0.0 से 127.255.255.255 है, ये लूप बैक और नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसका जो यूज है हम नेटवर्क को चेक करने के लिए करते हैं। इसीलिए इस रेंज की आईपी को हम एज अ आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम को नहीं देते। ठीक है ना, हम जो सिस्टम जो हम आईपी प्रोवाइड करते हैं, वो 1 से लेके 126 तक प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्लास ए के अंदर आती है। ठीक है ना, अब इसमें फर्स्ट ऑक्टेट हायर बिट की बात करें तो 0। ये नेटवर्क और होस्ट आईडी की बात करें तो फर्स्ट मैंने बताया था कि क्लास ए में पहला ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए होता है, और बाकी के 3 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए होते हैं। हम नेटवर्क बिट को हमेशा 1 से डिनोट करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि हम नेटवर्क बिट को हमेशा 1 से डिनोट करते हैं। इसलिए चूंकि अगर हम एक नेटवर्क बिट को 1 से डिनोट करेंगे और होस्ट बिट को 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क बिट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो बिट है जो कि नेटवर्क बिट है, जिनको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको अगर हम डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं तो इनकी वैल्यू आती है 255। इसलिए हम यहाँ पे जो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0 कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम क्लास बी की अगर हम बात करें, तो इसकी रेंज 128 से लेके 191 तक है। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट की बात करें तो उसमें 01 बिट होती है। नेटवर्क होस्ट या नेटवर्क आईडी होस्ट सॉरी नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी की बात करें, तो क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी होती है और 2 आपकी होस्ट आईडी होती है। तो 2 नेटवर्क आईडी होगी, इसका मतलब 2 ऑक्टेट जो है वो नंबर ऑफ बिट इसमें 1 होगी, इसलिए इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्लास सी की, तो क्लास सी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी रेंज 192 से लेके 223 तक है। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट में जो हायर ऑर्डर बिट होती है वो क्या होती है,
110 क्लासिक की बात करें तो इसमें 3 ऑक्टेट स्टार्टिंग के नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और 1 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए यूज होता है। चूंकि 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ 3 जो है वो 255.255.255 है और 1 होस्ट के लिए यूज हो रहा है इसलिए यहाँ पे ये 0 है। डी की बात करें तो 224 से लेकर 239 तक है और इसके फर्स्ट ऑक्टेट में 1110 ये बिट होती है। ई की बात करें तो ये इसकी रेंज 240 से लेकर 254 तक है और इसके फर्स्ट ऑक्टेट में जो 4 बिट होती है वो 1111 होती है। बच्चों मैं आपको एक सेकेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं इसका यूज अभी आप समझ नहीं रहे हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका यूज जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे कि कैसे आईपी को तोड़ा जाता है तो उस केस में हम इस चीज को हमें ये आईपी की जरूरत या हमें इस बिट की जरूरत पड़ेगी तब आपको ये समझ में आएगा कि ये 0 या 10 या 110 या 1110 या 4 टाइम 1 का मतलब क्या है। बहरहाल अभी आप याद रखिए कि क्लास ए में 0 होता है, क्लास बी में 10 होता है, क्लास सी में 110 होता है, क्लास डी में 1110 होता है और क्लास ई में 1111 होता है। और एक चीज और जो मैंने आपको बताई थी कि हम जो यूज करते हैं वो केवल ए बी सी क्लास यूज करते हैं, क्लास डी की बात करें तो वो रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग है और क्लास ई की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो इतनी चीजें हैं ये मोस्टली आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि आपको याद होगा कि क्लास ए में कौन सी रेंज है, क्लास बी में कौन सी रेंज है, क्लास सी में कौन सी रेंज है, क्लास ए में नेटवर्क बिट कितनी होती है, होस्ट बिट कितनी होती है, तो हम उसका सबनेट मास्क क्या होता है, तो आगे के कैलकुलेशन हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बात करें हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कंप्यूटर में कोई भी आईपी अगर डालते हैं, सपोज कीजिए आपने क्लास ए की आईपी डाली और आप इंटर करते हैं तो उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ये 255.0.0.0 ले लेता है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली हम लोग कॉलेज में क्लास सी की आईपी यूज कर रहे हैं अपने, तो हम लोग जैसे ही ये आईपी डालते हैं और इंटर करते हैं तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो 255.255.255.0 जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हो जाती है। ठीक है, ये इसको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। उसके बाद से बच्चों हमने ये पहला न्यूमेरिकल देखा था जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर ये पूछ रहा है कि इसमें क्लास कौन कौन सा है, कौन सा क्लास कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको पहली रेंज देखनी है। आप जैसे ही ये रेंज देख रहे हैं 1 2 3 तो आपको समझ में आ जा रहा है कि ये एक क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये आपका क्लास ए है। दूसरी आईपी जो दी है इसके जैसे ही फर्स्ट ऑक्टेट को आप देख रहे हैं आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट सी क्लास की जो आईपी है वो उसकी रेंज क्या होती है, 192 से लेके 223 तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 193 है यानी ये सी क्लास की रेंज में बिलोंग कर रहा है इसलिए इसका आंसर क्लास सी होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए किसी आईपी का नेटवर्क आईडी बताइए, तो नेटवर्क आईडी जानने के लिए हमें पता है कि क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट जो नेटवर्क के लिए होता है बाकी सब होस्ट के लिए होता है, क्लास बी में 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और बाकी 2 होस्ट के लिए यूज होते हैं, और क्लास सी की बात करें तो 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और 1 ऑक्टेट जो है वो आपका होस्ट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो आईपी दी है तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर जैसे कि ये आईपी दी है पर्टिकुलर आईपी, तो इसका अगर आपको नेटवर्क आईडी पूछे तो आपको सिंपली आंख बंद करके क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसके फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट को आप देख रहे हैं तो ये 115 है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये 1 से लेके 127 के बीच में है यानी कि ये क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, और अगर ये क्लास ए से बिलोंग कर रहा है तो मतलब फर्स्ट ऑक्टेट इसका नेटवर्क बिट है और बाकी के 3 ऑक्टेट इसके होस्ट है। तो हम करेंगे क्या कि केवल फर्स्ट वाले ब्लॉक को एज इट इज लिख के बाकी 3 को 0 कर देंगे यानी कि 15115.0.0.0 वो इस आईपी का नेटवर्क आईडी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि ये क्लास ए से बिलोंग कर रही है तो इसका जो नेटवर्क आईडी है वो क्या हो जाएगा, 115.0.0.0। सेम इसी तरीके से ये 196 है यानी कि ये सी क्लास की आईपी है, सी क्लास में हम लोग 3 नेटवर्क ऑक्टेट होते हैं और 1 होस्ट ऑक्टेट होता है, तो जो 3 नेटवर्क ऑक्टेट होते हैं उसकी वैल्यू एज इट इज लिख के
जो होस्ट वाला ऑक्टेट है उसको हम जीरो कर देंगे तो वो आपकी नेटवर्क आईडी बन जाएगी पर्टिकुलर इस आईपी का। जैसे कि देखिए 196.10.10.0 ये इसकी नेटवर्क आईडी है। इसी तरीके से ये आईपी दी हुई है, इसका जो नेटवर्क आईडी है ये क्या है 156 है 10.10.10 ये आईपी है। ये क्लास बी से बिलोंग कर रही है, जैसा कि फर्स्ट ऑक्टेट को देख के हमें पता चल रहा है, तो चूंकि ये क्लास बी से बिलोंग कर रही है तो हमें पता है कि क्लास बी में दो नेटवर्क बिट होते हैं, तो इन दोनों को हम लोग एज इट इज रख के बाकी दो को हम जीरो कर दे रहे हैं। इसके बाद से कल जो हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा था कि कन्वर्ट जो है फाइंड आउट द सबनेट मास्क ऑफ द गिवन आईपी, कि किसी आईपी का सबनेट मास्क डिफाइन करना। तो वैसे तो हम क्लास देख के भी बता सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है तो इसमें पता है कि क्लास ए है, इसमें एक नेटवर्क आईडी होती है बाकी तीन होस्ट आईडी होती है, तो नेटवर्क आईडी को हम 255 सारी बिट 1 होती है तो ये 255 हो जाएगा, बाकी .0.0.0 हो जाएगा। इसी को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि जैसे देखिए ये नेटवर्क आईडी है तो हमें पता है नेटवर्क आईडी की सारी बिट 1 होती है और होस्ट की सारी बिट 0 होती है, तो इसको हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 255 आ जा रहा है, तो मतलब 255.0.0.0 ये इसका सबनेट मास्क हुआ क्लास ए का। इसी तरीके से क्लास बी की बात करें तो यहाँ पे दो नेटवर्क होगा, तो यानी 255.255.0.0, ठीक है। और कल जो लास्ट हम लोगों ने टॉपिक देखा था वो टॉपिक हमारा ये था कि कन्वर्ट द डेसिमल आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी, तो आईपी एड्रेस को डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर इसके बारे में हम देखें तो सिंपली क्या है, एक सिंपल सा फंडा, सिंपल सा तरीका था मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आईपी दी हुई है, ठीक है ना, और 8 बिट जो होते हैं, यानी समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको प्लस करने पे 255 वैल्यू आती है। एक सेकेंड, इनको अगर हम प्लस करें तो इसकी टोटल वैल्यू क्या है 255, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 × 2 की पावर 7 128 आ रहा है, 1 × 2 की पावर 6 64 आ रहा है, 1 × 2 की पावर 5 32 आ रहा है, 1 × 2 की पावर 4 16 आ रहा है, 1 × 2 की पावर 3 8 आ रहा है, 1 × 2 की पावर 2 4 आ रहा है, 1 × 2 की पावर 1 2 आ रहा है, और 1 × 2 की पावर 0 1 आ रहा है। तो सिंपली हम करेंगे क्या कि 192 हम देखेंगे कि किसको किसको ऐड करने से 192 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 192 जब हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम यही चीज है। अब यहाँ पे 192 लिखा हुआ है और हम देख रहे हैं कि किसको किसको ऐड करने पे ये 192 हो जा रहा है, तो जिसको जिसको ऐड करने पे ये 192 हो जाएगा उस बिट को 1 कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, उसका पर्टिकुलर वो बाइनरी, उस पर्टिकुलर डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो जैसे क्या है कि 182, 128 और 64 को अगर हम ऐड करें तो 192 होता है, तो इसलिए हमने इस बिट को और इस बिट को 1 किया है और बाकी सबको 0 कर दिया है। 168 की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 128, 32 और 8 को ऐड करने से 168 होता है, इसलिए हमने इन तीनों को 1 कर दिया है और बाकी सबको 0 कर दिया है। 37 की बात करें तो 32 और 4 को ऐड करने पे 37 होता है, और सॉरी और यहाँ 1, इसको तीनों को ऐड करने से 37 होता है, तो देखिए इन तीनों को मैंने 1 कर दिया है और बाकी सबको 0 किया हुआ है। इसी तरीके से 200 की बात करें तो हमें पता है कि 128, 64 और 8 को ऐड करने से 200 हो रहा है, इसलिए हमने इन तीनों को 1 कर दिया है और बाकी सबको 0 कर दिया है। तो ये एक सिंपल तरीका है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो अब जब ये एक बार मिल गया तो आपको अब इसका आंसर क्या होगा, 110000.1010000.0010001001100001000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी डेसिमल आईपी इस तरीके से लिख देने पे वो बाइनरी आईपी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल हम लोगों ने यहां तक कल डिस्कस किया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल यू अप्लाई जस्ट रिवर्स, यानी अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था,
अब हमें क्या करना है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसी को हम रिवर्स करेंगे। यानी रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी, यानी कि 128, 64, 32, 16, 8, एक सेकेंड, हाँ, तो उसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जैसे ये चीज हमने अभी आपको ऊपर बताई थी, ठीक है ना, अब हमें पता है कि 168, 120, जो जो वहां जहां जहां वन लिखा हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे और वही आपका वो डेसिमल हो जाएगा। यानी यहाँ पे 28 के लिए 192 था, तो हमने देखा था कि 128 और 64 को ऐड करके हमारा 192 हुआ था, उसके नीचे हम लोगों ने 11 लिखा था, तो जिसके नीचे 11 है उसको हमने ऐड कर दिया तो पहला पहला आपको डेसिमल मिल गया। इसी तरीके से 168 को हम के नीचे वाली बिट जो जो 1 होगी, यानी कि 168 किसको किसको मिला के बना हुआ था, ठीक है ना, इस 128 को, इस 32 को और इस 8 को, तो इन तीनों को, यानी 128, 32, मतलब जिसके नीचे 1 होगा उसको हम ऐड, उसके डेसिमल वैल्यू को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही आपका डेसिमल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 37 और इसी तरीके से 200 हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो बाइनरी है वो आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, मोस्टली लैन यूज प्राइवेट आईपी ऑफ द रेंज 10.0.0.0 फॉर क्लास ए, 172.16.0.0 से लेके 172.31.0.0.0 फॉर क्लास बी एंड 192.0.0.0 फॉर क्लास सी। दीज आईपी मोस्टली यूज टू कॉन्फिगर प्राइवेट नेटवर्क लैब ऑफिस ईटीसी बिकॉज इट इज रिजर्व फॉर लैन, दिस आईपी इज फ्री, नो एनी कॉस्ट पे टू यूज इट। अब समझिए ये जो नोट लिखा हुआ है, अब जैसे क्या है कि हम लोग यहाँ पे आईपी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जो आईपी यूज कर रहे हैं वो 192 की सीरीज यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके लिए कोई पे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रेंज जो है, जैसे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तीनों में एक रेंज को फ्री रखा गया है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकती है। अगर उसके अलावा वो कोई दूसरी रेंज यूज कर रही है तो उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन तीनों क्लास में कुछ एक ऐसी रेंज है जिसको हम फ्री मानते हैं और इसीलिए हम उसका यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ कॉलेज में 192 की सीरीज यूज कर रहे हैं, तो जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में 10.0.0.0 वाली रेंज जो है, यहां से लेके 255 तक मान लीजिए, ये फ्री है। लेकिन 9 और 11 वाली रेंज नहीं, केवल 10 वाली रेंज है, ये आपकी फ्री है क्लास ए में। इसको हम लोग किसी भी ऑफिस या नेटवर्क में यूज कर सकते हैं जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में 172.16.0.0 से लेके 172.31.0.0 तक ये फ्री है। इसके लिए कोई भी, अगर इतने रेंज के बीच की आईपी को अगर हम यूज कर रहे हैं किसी नेटवर्क के लिए, प्राइवेट नेटवर्क के लिए, तो इसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से क्लास सी की बात करें तो इसमें 192.0.0.0 वाली जो रेंज है ये फ्री है, इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, इसको हम बिना पैसे के यूज कर सकते हैं और प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब जैसे ये 10.0.0 वाली जो रेंज है, इसकी लास्ट रेंज जो फ्री तक वाली है वो ये है 10.0.0.255, यहाँ पे ये भी 255 है और ये भी 255 है, ये इसकी यहां तक रेंज है। इस रेंज की बात करें तो ये जो 31 लिखा हुआ है तो ये यहां तक जाएगा 255 तक और ये भी जाएगा 255 तक, और ये जो 192 वाली सीरीज है ये भी लास्ट यहां तक जाएगी 192.255.255.255। तो कहने का मतलब क्या है
ये इस रेंज की आईपी हो, क्लास ए में, क्लास बी में, सॉरी, क्लास ए में इस रेंज की आईपी हो, क्लास बी में इस रेंज की आईपी हो, या क्लास सी में इस रेंज की आईपी हो, ये आईपी फ्री है। इसके लिए कोई भी पे यूजर को नहीं करना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी नेटवर्क होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में, या छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ नंबर ऑफ आईपी की जरूरत ज्यादा होती है, वहां पे हमें आईपी खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर छोटा, मान लीजिए छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे ये आईपी जो है यूज करके हम नेटवर्क को डिजाइन कर लेते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। इसीलिए आप इस कॉलेज में ही देख लीजिए, अपने अपने कॉलेज में हम लोग जो सीरीज यूज कर रहे हैं वो 192.0.0.0 की सीरीज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये चूंकि फ्री है, इसीलिए इसके लिए कोई पेमेंट कॉलेज को नहीं करना पड़ता, और इसका यूज करके ही वो मोस्टली कंप्यूटर को कंफिगर करते हैं, ठीक है। अब एक आंसर है कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, ठीक है ना। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि प्राइवेट आईपी इज फ्री ऑफ कॉस्ट बट पब्लिक आईपी इज पेएबल, ये एक मेन डिफरेंस है। प्राइवेट आईपी जो हम एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, उसमें अगर हम इन तीनों का यूज करके बनाते हैं, मोस्टली प्राइवेट नेटवर्क जो है हम इसी रेंज को यूज करके बनाते हैं जो कि फ्री है, लेकिन पब्लिक आईपी जो कि आईएसपी दूसरों को प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। यानी कि हम अपना लैन बना रहे हैं, तो लैन तो हम अपने इस पर्टिकुलर तीनों रेंज में से किसी का यूज करके हम लैन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन जब आईएसपी से हम इंटरनेट मांगते हैं, तो वो हमें एक डीएनएस की जो आईपी देता है, जो हम फुलफिल करते हैं, तो वो भी तो आईपी है, लेकिन वो आईपी जो है उसके लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जो हमारे डीएनएस की, जो हम लोग जब हम लोग अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में आईपी डालते हैं, तो जो नीचे वाली, ऊपर जो ऊपर की तीन आईपी होती है, वो आप देखेंगे तो सब वो मतलब कि उसका गेटवे सबका कॉमन होता है, लेकिन आईपी की रेंज जो है वो सबकी अलग अलग होती है, वो आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है। लेकिन नीचे का जो डीएनएस का जो दो पार्ट होता है, उसको जो हम पिंग करते हैं, वो सेम होता है, और वो उस पर्टिकुलर लाइन में जितने भी नेटवर्क हैं सबके लिए सेम होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आईपी है वो आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है। इसीलिए याद रखिएगा कि पब्लिक आई, प्राइवेट आईपी फ्री होती है, और पब्लिक आईपी जो है वो पेएबल होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ वी यूज इंटरनेट देन वी यूज पब्लिक आईपी दैट इज प्रोवाइडेड बाई आईएसपी, ठीक है। तो ये चीज होप सो आपको समझ में आई हो, ठीक है। कल जो है बच्चों, कल मैं आपको ट्यूट लूंगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, कल एक ट्यूट लूंगा, सात ट्यूट हो गया है, आठवां ट्यूट मैं कल लूंगा, गूगल फॉर्म के थ्रू ही लूंगा, ठीक है। तो कल मैं ट्यूट लूंगा, और मंडे से, जो मंडे को जो लेक्चर होगा, उसमें मैं प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पढ़ाना है आपको तीसरी यूनिट, तीसरी यूनिट अगर आप लोग एक बार समझ गए, तो चौथी या पांचवी यूनिट थ्योरेटिकल है, उसके तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन थर्ड यूनिट, चूंकि आईपी इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो ये जो मैंने आज जो इतना बताया, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, हो सके तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, और उसके बाद से फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि प्राइवेट, जैसे कि आगे का जो न्यूमेरिकल है, जैसे कि फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल, तो इन सब से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल आपको अगले लेक्चर में, यानी कि मंडे को मैं आपको बताऊंगा, और कल आपका मैं ट्यूट लूंगा, आप लोग याद रखिएगा। तो